अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की वजह से हो रही हैं रोज दुर्घटनाएं। नगर की मुख्य सड़कों से भारी वाहन और आपातकालीन सेवा वाहनों का निकलना हुआ मुश्किल। प्रशासनिक अनदेखी का शिकार नगर की मुख्य सड़कें। खनियाधाना नगर की मुख्य सड़कों पर प्रतिदिन जाम की स्थिति बनना एक आम बात सी हो गई है। कभी कभी स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि आपातकालीन वाहन जैसे अग्निशमन और एम्बुलेंस को निकलने के लिए भी जगह नहीं मिलती, जिससे कि बड़ी जनहानि और धन हानि होने की संभावना बनी रहती है। ऐसा कोई दिन नहीं है जब नगर में अव्यवस्थित तरीके से खड़े वाहनों की वजह से कोई दुर्घटना ना हो। रैने चौराहे से गुडर की तरफ जाने वाली सड़क हो या फिर बस स्टैंड से मुख्य बाजार की ओर जाने वाली सड़क, नगर की ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां अवैध कब्जा या अवैध पार्किंग ना की जा रही हो। नगर के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार इन समस्याओं से जिम्मेदार अधिकारियों को रूबरू करवाया गया है, लेकिन कोई भी आला अधिकारी या प्रशासनिक अमला इन समस्याओं को दूर करने में अपना सहयोग नहीं देना चाहता है, जिसकी वजह से प्रतिदिन आम नागरिकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कोई भी बड़ी दुर्घटना होने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। समस्या होती है, एक तो घर से ज़्यादा गाड़ी नहीं निकाल पाते अपने, और जो प्रशासन के जो वाहन निकलते हैं वो भी नहीं निकल पा रहे हैं, और जो भारी वाहन होते हैं वो भी नहीं निकल पा रहे हैं, और जो एम्बुलेंस वगैरह है वो भी नहीं निकल पा रही, जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। कोई शिकायत की है आपने नगर परिषद या पुलिस को? पहले कई बार आवेदन चुके हैं, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। से क्यों नहीं आती है? पूरे वाहनों के लिए समस्या है, आने जाने वालों के लिए, सबके लिए समस्या है। प्रशासन मौन है, प्रशासन कोई कहने वाला नहीं है। सीएमओ को कोई कभी आता ही नहीं है, सीएमओ के चेक करे के रोडों की देखे, व्यवस्था देखे, पुलिस विभाग को भी कोई मतलब नहीं है। सब ऐसे ही चल रहे हैं, नगर का हाल तो पूरा बेहाल है। सही पूछी जाए तो वैसे जैसे ये अतिक्रमण हो रहा है, जगह जगह हाथ ठेले वगैरह रखे हुए हैं, ये गाड़ियां रोड पर रखी हुई है, तो इससे दुर्घटना नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? दुर्घटना अभी हुई थी यहाँ पर चौराहे पे, कुछ साल कुछ महीने पहले एक लड़का खत्म हुआ था नया, ये इसी कारण से हुआ था। कहीं भी आदमी वाहन खड़े छोड़ जाते हैं, कभी भी कोई पुलिस कोई कभी चालान भी नहीं फाड़ती कि आए और चालान फाड़े, कभी कुछ ऐसा होता ही नहीं है अपने नगर में। तो भाई इसकी शिकायतें की गई है नगर परिषद में? दो चार बार सोशल मीडिया पे भी डाली है, लेकिन कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई, किसी ने भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, ना पुलिस ने लिया ना नगर पंचायत ने लिया।